हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वो मुझ गई यूनिवर्सिटी? जी इफ्तिखार साहब, चली गई। आप क्यों पूछ रहे हैं, सब खैरियत तो है? नाश्ता वगैरह ठीक से कर लिया था उसने? चाय पी कर गई है। मैंने तो इसरार किया था कि नाश्ता कर ले, पर कह रही थी दिल नहीं चाह रहा। अच्छा, कल रात कुछ ज्यादा बोल गया मैं। इफ्तिखार साहब, आप बिला वजह परेशान हो रहे हैं। मुश्क औलाद है आपकी, आपका हक बनता है। जो बाप सारी उम्र दिन रात मेहनत करे, अपना खून पसीना एक करके दिन गिन गिन कर अपने लगाए हुए पौधों को परवान चढ़ाए, तो क्या उसका इतना भी हक नहीं बनता कि कभी गुस्से या झुंझलाहट में कुछ कह दे? कोई तलख जुमला ही सही। आप बहुत छोटी सी बात को दिल पर ले रहे हैं। सच्ची बात तो यह है कि मुझे भी मुश्क की फरमाइश कुछ ठीक नहीं लगी। मैं भी लड़कियों के इस तरह से घर से बाहर रहने की बिल्कुल कायल नहीं हूं। ठीक है, चल ठीक है, शुक्रिया। मैं शाम को बच्चियों की पसंद की कोई चीज पका लेती हूँ, खुश हो जाएंगी, सब ठीक हो जाएगा। ठीक। अस्सलाम वालेकुम। आप यहाँ? किसी को ढूंढ रही हैं आप? मेरे अब्बू जी लेने आने वाले हैं और आप यहाँ से जाएं, उन्होंने आपको देख लिया तो आप मुझसे क्यों मिलते हैं? आप गाड़ी में बैठी, मैं बताता हूँ क्यों। अरे मैं आपको शक्ल से चोर, डाकू या बदमाश लगता हूँ क्या? नहीं। तो फिर आइए ना, आइए। अब आइए भी। बैठिए। आप जानना चाहते हैं कि मैं आपसे क्यों मिलना चाहता हूँ, क्यों ढूंढता हूँ आपको, बताऊँ आपको? चले मैं वैसे ही बता देता हूँ। मुश्किल एक अजनबी सी दुनिया की भीड़ में ना एक शनासा सा चेहरा मिलना बहुत मुश्किल होता है। ऐसा चेहरा जिसे दिल फौरन पहचान ले, वो अपना अपना सा लगने शुरू हो जाता और फिर दिल चाहता है कि उसे रोज मिला जाए। अरे मुझ क्या हुआ? व्हाट हैपेंड? आप रो क्यों रही हैं? मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? मैं आपके साथ यहाँ पे क्या कर रही हूँ? मैं क्यों बैठ गया आपकी गाड़ी में? मेरे अब्बू जी बहुत सख्त थे, उन्होंने मुझे यहाँ देख लिया तो मेरी पढ़ाई छुड़वा देंगे, मुझे घर में बिठा देंगे, मुझे कभी बाहर नहीं निकलने देंगे। चांद, सॉरी, आई एम रियली सॉरी। मुझे नहीं अंदाजा था कि आपके अब्बू जी इतने खतरनाक होंगे। प्लीज आप रोइए तो मत। अच्छा चलिए छोड़ें इस बात को, आप मुझे ये बताएं कि मैं कैसा लगता हूँ आपको? मुझे नहीं पता और ना ही मैंने पहले कभी इस बारे में सोचा है। चलें फिर सोच के बताइएगा, मैं आपकी राय का मुंतजर हूँ। आप प्लीज मुझे यहाँ उतार दीजिए, मैं आपके साथ यहाँ गाड़ी में नहीं जा सकती। मैं रक्षा ले लूंगी, मैं घर चली जाऊंगी। नहीं प्लीज, नहीं प्लीज।
आपको नहीं पता ना मेरे अबू जी का, आप प्लीज यहाँ कहीं करीब में उतार दे, मेरे घर जाना है। यहाँ मैं आपको कहाँ ड्रॉप करूँगा? मैं आपसे कह रही हूँ ना इंतजार, प्लीज। मेरी बात तो सुनिए, आप मत उतरिए, रहने दीजिए। मैं छोड़ दूँ, मेरी गलती थी भाई, मुझे वहां पे चलना है, उस सामने वाले चौक पे। तुम अब आई हो कॉलेज से? मैं तो कब का आ गई थी, मैंने तो सारे कपड़े भी धो लिए हैं। अब तो अबू जी आ गए? नहीं अभी तक तो नहीं आए, लेकिन हाँ उनकी कॉल आई थी, वो तुम्हारे बारे में पूछ भी रहे थे मुझसे। काफी रश में फंस गए थे, इस वजह से तुम्हें लेने नहीं आ सके। वैसे तुम कैसे आई हो? मैंने और कैसे आना है अंबर, रक्षे पे आई हूँ। फजूल के सवाल, यूनिवर्सिटी में क्या एडमिशन हो गया, दिमाग ही खराब। इफ्तिखार भाई, इफ्तिखार भी, मुझे फौरन घर जाना होगा। क्या हुआ, खैरियत तो है? मेरी पड़ोसन का फोन आया है, वो कह रही है गीति की तबीयत ठीक नहीं है, उसको अस्पताल लेकर जा रहे हैं। ओहो, चलो मैं भी फिर तुम्हारे साथ चलूं। नहीं इफ्तिखार भाई, मुझे पता है कि आज आपको ऑफिस रहना बहुत जरूरी है। अरे लेकिन इंसानी जान से बढ़कर कोई चीज़ थोड़ी होती है, मैं हो सकता है तुम्हारे किसी काम आऊं। इफ्तिखार भाई, मुझे किसी भी चीज़ की जरूरत पड़ेगी मैं आपको जरूर फोन करूंगा। ठीक है, मुझे भी जाने दें। चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज़। कोई बात तो जरूर फोन करना, ठीक है? हाँ मैं आ जाऊंगा। मुश्किल एक अजनबी सी दुनिया की भीड़ में ना एक शनासा सा चेहरा मिलना बहुत मुश्किल होता है। वालेकुम सलाम, तुम कब आए बेटा, मुझे पता ही नहीं चला। मैं सीधी कॉलेज से आ रही हूँ, मैंने कुछ पूछा तो नहीं, तो इतनी वजाहत किस लिए? खैर तुम मुँह हाथ धोकर नीचे आ जाओ खाने की मेज पर, सुबह नाश्ता करके भी नहीं गई। तुम अपने घर वालों की सोच कभी नहीं बदल सकती। हेलो, हाय, कैसी है मुश्क? आई होप ये कॉल करने का नामुनासिब वक्त नहीं है। आप मुझे किसी भी वक्त कॉल करेंगे वो नामुनासिब ही वक्त होगा, आप समझते क्यों नहीं है? शायद मैं समझना ही नहीं चाहता। इतना आपकी ना समझी मेरा बहुत बड़ा नुकसान कर सकती है, आप प्लीज मुझे कॉल मत किया करें। बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा वक्त आने नहीं दूंगा। ट्रस्ट मी मुश्क, मैं आपको ना उम्मीद नहीं करूंगा। मैंने जब आपसे कोई उम्मीद रखी नहीं है तो ना उम्मीदी की तो कोई बात ही नहीं है। यही तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरे हवाले से उम्मीदें बांधें और हम दोनों मिलकर एक नए ख्वाब का आगाज करें। मुझे आपकी बातें समझ में नहीं आती, आप बहुत अजीब बातें करते हैं। मैं जानता हूँ जिंदगी के पहले तजुर्बात बहुत अजीब लगते हैं। आप शाम को पार्टी में तो आ रही हैं ना, हम मिलकर ढेर सारी बातें करेंगे और ये हमारी जिंदगी के लिए एक नया एक्सपीरियंस होगा। यकीन जानिए मुझे, आपकी जिंदगी की तरह मेरे लिए भी सब कुछ पहली बार होने जा रहा है। मैं नहीं आ सकती क्योंकि मुझे इजाजत नहीं मिली है। ये तो काफी डिसअपॉइंटिंग बात है। एनीवेज
मैं पार्टी में जाऊंगा भी और आपका इंतजार भी करूंगा। शायद मुझे उम्मीदें बांधना अच्छा लगता है। यही तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरे हवाले से उम्मीदें बांधें और हम दोनों मिलके एक नए ख्वाब का आगाज करें। तुम ही तो थे ख्यालों में, तुम ही थे बेख्याली में। हेलो, अस्सलाम वालेकुम इस्माइल भाई। वालेकुम सलाम आलिया बहन। गेती भाभी की तबीयत कैसी है अब? आईसीयू में रखा है, अगले 24 घंटे तक वहीं रहेंगी। ओहो, अल्लाह रहम करे। अच्छा तो फिर आप तो वहीं रुकेंगे। जी हाँ आलिया बहन, आप बताएं कोई परेशानी तो नहीं? नहीं भाई, बस वो मेरे ससुर का इंतकाल हो गया है तो भावलपुर तो जाना होगा हमें। इस्माइल भाई, निदा और हारिस बहुत रो रहे थे, मोहिनी बहुत तंग कर रही थी, मैंने उसे नींद की दवा देके सुला दिया, लेकिन बच्चे बहुत परेशान हैं। अब बताएं मैं इस हालत में इनको कैसे छोड़ के जाऊं? मोहिनी उठ गई ना तो इन दोनों के काबू में नहीं आएगी। मेरा जाना भी बहुत जरूरी है। अच्छा आलिया बहन, आप परेशान ना हो, मैं कुछ करता हूँ। ठीक है ठीक, चले, अल्लाह हाफिज। अल्लाह। इस्माइल साहब यहाँ पे? इस्माइल, इस्माइल सब खैरियत तो है ना? बताओ। अलैकुम अब्बा। वालेकुम सलाम बेटा, तुम्हारी अम्मी कहाँ हैं? उन्हें बुलाओ जल्दी से जरा। जी। अस्सलाम वालेकुम। हाँ वालेकुम सलाम, आप चादर ले लें, कहीं चलना है जरा। अल्लाह खैर करे, कहाँ जाना है, क्या हुआ? वो असल में इस्माइल की बीवी की तबीयत बहुत नासाज है, डॉक्टर ने कहा है कि अगले 24 घंटे बहुत सब्र आजमा होंगे, लेकिन घर में उसके बच्चे और उसकी एक माजूर बहन है जिनकी देखभाल करने वाला कोई भी नहीं, और मुझे तो अस्पताल में रहना पड़ेगा। क्या ये हो सकता है कि आप रात वहाँ रह लें, उनकी देखभाल कर सकें? ये कोई पूछने वाली बात है? किसी की इतनी मुसीबत में अगर काम ना आए तो क्या फ़ायदा ऐसी ज़िंदगी का? आप 2 मिनट दें मुझे, मैं अपनी चादर और पर्स ले आऊँ। और अंबर बेटा, तुम और मुझ घर पे ही रहना और सब ध्यान रखना, ठीक है? जी अब्बा। ठीक है बेटा, खुदा हाफिज़। शेरी, ये वाली लाइट देख और वो वाली लाइट भी देख, ऑलराइट? और तुम लोग ये सारी लाइट्स वाला सीन करो ऑन। ए बॉयज़, क्या हाल है? जो है सर, यार ड्रिंक का सीन बहुत ऑन रखना है, ठीक है? कोई मसला नहीं होना चाहिए यार। गेट इट यू ऑलराइट? जस्ट गेट डाउन एंड लेट्स गेट लिट। वॉल्यूम अप। मास्टर ब्लास्टर।
देखो मैंने टेबल सेट किया, कैसी है? लुक्स परफेक्ट। इतनी परफेक्ट लग रही है मुझे कि आई एम थिंकिंग के शादी के बाद अपनी सारी मेड्स को फारिग कर। यू नो व्हाट नॉमी, आई जस्ट लव इट जब तुम हमारी शादी के बारे में बात करते हो। एंड व्हाट अबाउट द अदर थिंग, मेड्स वाली? नॉमी तुम्हें पता है जब एक लड़की एक लड़के से मोहब्बत करती है ना तो उसके लिए हर काम कर सकती है, उसके शूज भी पॉलिश कर सकती है। What? It's actually sweet, but तुम्हें क्या लगता कि तुम्हारे इन खूबसूरत हाथों से मैं अपने शूज पॉलिश करवाऊंगा? Never. तो फिर क्या करवाओगे इन खूबसूरत हाथों से? इन खूबसूरत हाथों से मैं अपने शूज तो पॉलिश नहीं करवा सकता, हाँ अपने सर की मालिश जरूर करवा सकता। You're horrible, Nomi. बहुत बुरे हो तुम बेचारे। Listen to me. Hey, hey. मुश्क, तुम पागल हो गई हो। किसी को पता नहीं चलेगा अबू जी अम्मी जी घर पे नहीं है, घंटे डेढ़ घंटे में वापस आ जाऊंगी। प्लीज प्लीज अम्मर प्लीज। देखो मेरी अकल तो अभी तक सलामत है और मेरे पास है, वो कोई घास चढ़ने नहीं गई है, मैं अम्मी अबू से नहीं पिटूंगी। मेरी बात सुनो, कुछ भी नहीं होगा। और जिंदगी में छोटे मोटे एडवेंचर नहीं किए तो फिर क्या किया, इससे बेहतर तो बुढ़ापा अच्छा है। ये तुम नहीं हो, ये जो सहबा नवीद खान है ना उनकी तालीमात बोल रही है। तुम जो मर्जी सोचो, मैं जा रही हूँ। मुश्क, क्या हो गया तुम्हें? तुम इतनी तलेर हो गई हो कि तुम आधी रात को अम्मी अबू की इजाजत के बगैर अकेले जाओगी टैक्सी में? जी हाँ, क्योंकि मेरी बहन मेरा साथ नहीं दे रही, मुझे इतना ही दलेर होना पड़ेगा। तुम नहीं मानोगी ना, ये जादू है ना यही तुम्हारे सर पे चढ़ के बोल रहा है। देखो अगर किसी को इतनी सी भी भिनक हो गई ना तो इस घर से तुम्हारे बाहर जाने वाले सारे रास्ते बंद हो जाएंगे, वो भी हमेशा के लिए। अंबर तुम ओवर थिंक कर रही हो, ऐसा कुछ नहीं होगा, किसी को पता चले सवाल ही पैदा नहीं होता। प्लीज प्लीज यार। अच्छा ठीक है, तुम सिर्फ 10 बजे तक जाओगी, इससे ज्यादा टाइम नहीं है तुम्हारे पास। और ये वक्त भी मैं किस तरह कांटों पे लौट के गुजारूंगी तुम्हें आइडिया भी है? मेरी प्यारी बहन, आई लव यू। 10 बजे वापस आ जाऊंगी, ज्यादा टेंशन मत लेना, पहले बहुत डरना शुरू हो गई हो तुम। जबरदस्त। तुम्हें पता है इसे देख के ना पता नहीं मेरा क्यों खून खौलने लगता है। आज कुछ करते हैं ना इसके साथ। Trust me, I have the same feelings. But right now, the time is not right. अभी स्पेस देने का टाइम है, रस्सी खींचने का टाइम नहीं है। Let's go. Welcome him. Yeah. और वो अगर मछली मार की कहां पर है उसे तो बुलाओ ना। Hey Razi, how are you? I'm good, how are you? I'm good too. Thank you. पुरानी दोस्ती का ख्याल रखने के लिए। Nomi, किसी गलत फहमी में मत रहना, ये किसी पुरानी दोस्ती की वजह से नहीं आया, एक नई दोस्ती बनाने आया। Well, Alright, you guys carry on. I'll join the guys. Bye-bye. What do you think, Ritaza? Wo aayegi ki nahi aayegi? Aayegi. How about you give her a call aur usse poocho ki wo aa rahi hai ki nahi aa rahi? How about we don't? Kyunki Sehba agar mere jazbon mein sachai hai to wo zarur aayegi. Impressive. I like the confidence. Thanks. Well, excuse me. I'll be right back. Sure. Hello, Mushk. Mushk, are you coming? Tum aa rahi ho? Everyone is waiting for you. सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं।
मोश्क, आर यू लिसनिंग टू मी? मोश्क, आई एम वेटिंग फॉर यू. इर्तिजा इज वेटिंग फॉर यू. वो बेचैन है तुम्हारे लिए. मोश्क, आर यू कमिंग? हाँ 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 सहबा, मैं आ रही हूँ. ग्रेट. सहबा, मुझे एक फेवर दे सकती हो क्या? तुम मुझे मुझे पिक एंड ड्रॉप दे दोगी? ऑफ कोर्स, माय प्लेजर, नो प्रॉब्लम एट ऑल. चलो सही है, फिर मुलाकात होती है. कैसी लग रही हो? बहुत ही खूबसूरत. लेकिन प्लीज मुश्क, जल्दी आ जाना. देखो, अगर अल्लाह ताला के बाद किसी के हाथ में हमारी इज्जत है ना, तो वो अब सिर्फ तुम हो. ओफो, एक तो तुम सहबा गई है. अच्छा, मेरी बात सुनो, टेंशन मत लेना, मैं टाइम से आ जाऊंगी. और ऐसा लग रहा है जैसे 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 हम दोनों मिलकर कोई ख्वाब देख रहे हैं. कुछ नहीं कहेगा.
आइए मेरे साथ। मैं हूं ना, ये सब कुछ क्या है? ये सब वही है जो आजकल अमूमन इन पार्टीज में होता है। हाँ, लेकिन मुझे सहबा ने तो ऐसा कुछ बताया ही नहीं था। लगता है सहबा ने तुम्हें और बहुत कुछ नहीं बताया। आपका भी वक्त आएगा, be patient. चलो चलो मेरे साथ, come on, come on. Let's get intoxicated. You got me stimulated. Hey भाई, ये सब कुछ क्या है? मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पे. Party and enjoy. Come on. आने के लिए लोग सब. Come on, enjoy. क्या हुआ? पता, मुझे यहाँ कुछ भी पसंद नहीं आ रहा। और आपको? मुझे तो सिर्फ तुम पसंद। आओ मेरे वालेकुम सलाम। अंबर बेटा, सब खैरियत तो है ना? घर पे कोई मसला तो नहीं है? जी अबू जी, सब खैरियत है। अच्छा, मुश्क कहाँ है? मेरी बात कराओ उससे। मुश्क? मुश्क अबू जी, मुश्क तो वॉशरूम में। अच्छा अच्छा, तो खाना वगैरह खा लिया ना तुम लोगों ने? जी खा लिया। अबू जी, इस्माइल भाई की बीवी की तबीयत ठीक है ना? हाँ बेटा, बस इस्माइल मियाँ की बेगम की तबीयत, बस उनको दुआ की ज़रूरत है। तुम सब मिलके दुआ करना उनके लिए। जी अबू जी, मैं ज़रूर अभी नमाज़ पढ़कर उनके लिए दुआ करूँगी। हाँ, जात के नफिल भी पढ़ लूँगी। ठीक है बेटा, ओके, अल्लाह हाफिज़। मुश्क जी, कुछ कहना था आपसे। समझ में नहीं आ रहा कैसे कहूं। वो मैं मोहब्बत करने लगा हूं आपसे। जब से आपको देखा है, मेरे रात दिन मुकम्मल ही नहीं हो रहे। और अब तो ऐसे लगने लगा है जैसे मेरी जिंदगी भी मुकम्मल नहीं हो रही। क्या आप मेरी जिंदगी मुकम्मल होने में मेरा साथ देंगी? मुझे हेलो
तुम्हारी अगरबत्ती मार का ब्रांड जो है कमाल लग गया। तुमने फाइनली नोटिस कर लिया? देखो जरा किस तरह मासूम सी पाक साफ छोटी सी लड़की बन के इर्तिजा हसन के साथ इश्क आशिकियां कर रही। मैंने तुमसे कहा था ना कि जो चादर और बुरके में लिपटी हुई लड़कियां होती हैं, they are hypocrites, remember? नोमी तुम बिल्कुल ठीक कहते थे, मैंने ही शायद इसे पहचानने में गलती कर दी। काश काश मैं इसके शरीफ बाप को दिखा सकूं इसकी ये हरकतें। What's the big deal? सेल फोन निकालो। मैं को बेरी है? अच्छा? अभी नहीं। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। You girl, you. You know what? शादी के बाद मैं तुम्हें एक दफा पॉलिटिक्स में इंट्रोड्यूस जरूर करूंगा। तुम एक एक पॉलिटिशियन की ऐसी कैसी हो तुम्हें? Trust me. तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। Come. What is it? Come ना, I'll show you. Come. चलो। No. Come on. Trust me. Have it. Believe me. You need to have a sip. Come on. कहीं नजर ही नहीं आ रही है। मुझे घर जाना है, आप प्लीज उसे बुलवा दें। उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि मैं तुम्हें खुद घर छोड़ के आऊंगा। आज से तुम सहबा की नहीं, सिर्फ मेरी जिम्मेदारी है। चले
क्या बात है मुझे? परेशान? खुश हूँ बहुत। अच्छा, वजह जान सकता हूँ खुशी की? इस तारीख में ये खूबसूरत रात, ये पल, इसमें मैंने बहुत कुछ पाया है, इतने एहसास पाया है, एक तजुर्बा पाया है, और इसे मैंने आपको पाया है सर। ये मेरी जिंदगी की सबसे अनोखी, सबसे खूबसूरत रात है, और इसे मैं कभी भी नहीं भुला पाऊंगी। मैं भी कभी नहीं भूलूंगा। तुम ही तो थे खैर।